हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है सोलेनोइड, और ये पेपर में 4 नंबर में ज़रूर आता है। इसके अगर MCQs बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तब भी 1-1 नंबर में आएंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट है कि सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सोलेनोइड के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ठीक है, करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, सोलेनोइड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 4 नंबर का ये टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक सोलेनोइड। तो सबसे पहले बेसिक सी चीज़ तुम्हें पता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर से, वापस थोड़ा बेस बना के चल रहे हैं, करंट कैरिंग वायर से, ध्यान से सुनो, करंट कैरिंग वायर्स क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आपको पता है क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है या नहीं करता है? अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब कहां कि यहां पर कुछ ना कुछ चार्ज बन रहा है। क्या बन रहा है? चार्ज बन रहा है। तो एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मतलब जहां पर चार्ज है, जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स है, कहीं ना कहीं वो क्या काम कर रहा है? मैग्नेट का काम कर रहा है। मतलब वहां पर क्या है, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई? थोड़ा फील हुआ कुछ हटके? कॉन्सेप्ट में थोड़ा साइड से घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फ्रंट जोन में अभी नहीं खेलना है हमको, साइड जोन से कवर करो। करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसके पास चार्ज होता है, और ये चार्ज क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया? कोई भी वायर, एक स्ट्रेट वायर क्या करता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसा? कॉन्सेंट्रिक सर्किल में, ठीक है। अभी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन अभी मेनली बात हम करते हैं सोलेनोइड। तो बच्चों, जो सोलेनोइड है, पहले एक मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली कैसी होती है? टेम्परेरी मैग्नेट होती है। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब क्या होता है बच्चों? इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, या ये जो मैग्नेट की तरह वर्क करती हैं, तभी तक करती हैं जब तक करंट की सप्लाई है। करंट की सप्लाई बंद कर दोगे, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देंगी। यहाँ तक बात समझ में आई? तो सोलेनोइड क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब तुम्हें ये पता है, देखो, जैसे मान लो ये वायर है, ध्यान से सुनना, इस वायर पे मैंने ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, या मान लो ऐसे नहीं, फिर से समझो, ध्यान से समझो, मान लो ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है? एक कंडक्टर है। ये मान लो ये आयरन है, ठीक है, ये क्या है? आयरन है। और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? वायर लपेट दिया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब यहां से जो मैंने करंट दिया है, करंट का मतलब आई दिया, अब करंट तो सेम है, यहां पर करंट क्या है? सेम है। करंट क्या है? सेम है। तो करंट सेम है, और करंट अलाइन किस डायरेक्शन में हो रहा है? सेम डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बढ़ा दिए? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है? मैंने वायर को, जैसे मान लो ये कोई एक कंडक्टर है, इसके चारों तरफ मैंने क्या कर दिया? बाइंडिंग कर दी, मतलब वायर को लपेट दिया। ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने क्या किया? वायर को लपेट दिया। अब वायर को लपेट दिया तो करंट तो चेंज नहीं हो रहा, करंट सेम है और एक ही डायरेक्शन में अलाइन है। जब करंट सेम डायरेक्शन में अलाइन होता है और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, ठीक, करंट जब सेम डायरेक्शन में होता है और नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो सोलेनोइड है क्या? सोलेनोइड सीधा सा बोलोगे, एक
ऐसी प्रॉपर्टी है, जब कोई वायर को, मान लो कोई भी सिलेंड्रिकल कॉइल है, ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, वायर को लपेट देते हैं, मतलब वायर की वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है, और जैसे ही करंट की सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर ये खुद का क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने से इसके पोलर पे रीजन पे टर्मिनल पे क्या होता है, पोल्स डेवलप होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है, और ये पूरे प्रोसेस में, ठीक है, जब कोई कंडक्टर पे वायर लपेटते हैं तो ये एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, वर्क करता है, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हमको ऑब्टेंड होगा वो सिमिलर होगा वायर मैग्नेट की तरह, ठीक है। अब यहाँ पर जो वायर मैग्नेट होता है बच्चों, वायर मैग्नेट जो होता है वो कैसा होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। अभी बात करेंगे आगे परमानेंट मैग्नेट की, ठीक है, क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। इतनी बात वेजे में घुसी, तो इतना पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो। नोट करो फटाक से। यहां तक समझ में आया, फील आया थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का, थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं, ठीक, दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। देखो सोलेनोइड होता क्या है, सोलेनोइड एक ऐसा सिलेंड्रिकल कॉइल होता है, सिलेंड्रिकल कॉइल समझो, सिलेंडर की शेप का, ठीक है, सोलेनोइड एक ऐसा सिलेंड्रिकल कॉइल होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, वायर लपेट देते हैं, ठीक है। अब वायर लपेटते हैं और करंट की सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। समझ में आया, क्लियर हो गया, यहाँ तक बात भेजे में घुसी, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं, मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सोलेनोइड की वर्किंग कैसे है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सोलेनोइड की बात करेंगे अभी, ठीक, उससे पहले बात करते हैं वर्किंग की। याद रखो बात किसकी कर रहे हैं, सोलेनोइड की। सबसे पहले तो सोलेनोइड के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, सबसे पहले वायर की, फिर करंट की, और एक कोर की, कोर मतलब आयरन ले लो, ठीक है, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी और हम क्या बना देंगे, एक सोलेनोइड बना देंगे। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो वर्किंग की बात करें, वर्किंग ऑफ सोलेनोइड, तो सबसे पहले हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, वायर की भैया। तो वायर क्या करता है, देखो ये सिलेंड्रिकल कॉइल थी, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, वायर लपेट दिया, ठीक है, तो वायर का एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और जैसे ही करंट की सप्लाई देंगे भाई, जितना करंट ज्यादा देंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा बनेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई से। V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और आई क्या है, करंट। करंट जितना बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। समझ में आया, आई बात समझ में, ये चीज याद रखना, ठीक। तो वायर का मतलब समझ में आ गया, दूसरा करंट पता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, और तीसरा है कोर। तो कोर का मतलब क्या है, देखो आयरन कोर को हम यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, आयरन कोर को। मैंने क्या बताया, जो सोलेनोइड है बच्चों, ये सिलेंड्रिकल कॉइल है, तो सिलेंड्रिकल कॉइल का मतलब क्या है, अंदर हॉलो है, हॉलो सिलेंडर है, तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, आयरन कोर को फिट कर देते हैं। जैसे ये मान लो सोलेनोइड है, ये सिलेंड्रिकल कॉइल की शेप है, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, आयरन कोर फिट कर देते हैं। तो आयरन कोर फिट करने से होता क्या है, आयरन कोर फिट करने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाती है। आयरन कोर को फिट करने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एनसीईआरटी में अच्छा खासा दे रखा है, आप वहां से लिख लेना, मेरा काम है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाना, ठीक है। तो सोलेनोइड क्या करता है, आयरन कोर का काम इतना सा है सोलेनोइड में, ये कॉइल के अंदर फिट कर दिया जाता है, ठीक है, मैग्नेट जो आयरन कोर है वो सोलेनोइड के अंदर डाल दिया जाता है, जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सोलेनोइड की और बढ़ा देता है। समझ में आया, और ये किसकी तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। समझ में आया, ये बहुत हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए भी यूज करता है, अभी इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। इतना समझ में आ गया, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की।
ठीक है, ध्यान से सुनो, सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। देखो, जैसे ही हमने करंट पास किया सोलेनोइड के आसपास, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगा, इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। बाहर सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता, वीक होता है, और इनसाइड द सोलेनोइड, इसको रब करें, एक मिनट रुकना, इधर साइड लिख रहा, अरे यार बोर्ड और गीला। देखो, जो सोलेनोइड है, ठीक है, उसके अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां पर अंदर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, समझ में आया। और जो मैग्नेटिक फील्ड हमको ऑप्टेंड होगा वो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे ऑप्टेंड होगा जैसा कि हमको वायर मैग्नेट में ऑप्टेंड होता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, एक मिनट रुकना बेटा। सॉरी, समझ में आ गया, मतलब मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, मतलब हर पॉइंट पर इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, सेम होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, सेम होगी। पहला केस तुम्हें याद रखना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स के, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, बाइंडिंग जितनी ज्यादा करोगे तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट ऐड हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाती है, करंट ऐड नहीं होता, सॉरी, करंट सेम रहता है। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया, ये पूरी प्रोसेस थी सोलेनोइड की। एप्लीकेशंस इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट में, सॉरी, एप्लीकेशंस इसके हैं, सबसे पहले स्विचिंग डिवाइस में यूज करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ करते हैं, और कहाँ कहाँ करते हैं और बताओ, इंडक्टर में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। सोलेनोइड की एप्लीकेशन है स्विचिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक बेल्स, इंडक्टर्स, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।